हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यक्षिण कहानी की। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं सुनने वालों की, पहले एक साल पहले कितने लोग सुनते थे और अब कितने सुनते हैं, क्योंकि यक्षिण कहानी के सुनने वालों लोगों की कमी आई है। तो दोस्तों, पहले YouTube पर भी 30,000 लोग सुनते थे, अब YouTube पर लगभग 7,000 लोग सुनते हैं और पॉकेट एफएम पर रोज का एपिसोड डलता था। पहले एक साल पहले तब मतलब 1,00,000 लोग सुनते थे और अभी की कंडीशन ये है कि 24 घंटे में 20,000 लोग ही सुनते हैं एपिसोड को। इससे पता चलता है कि यक्षिण कहानी के जो सुनने वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि अब एपिसोड बहुत पकाने वाले हो गए हैं। और अभी फिलहाल चल रहा है युग के पापा का करेक्टर चल रहा है, मतलब युग के पापा की स्टोरी दिखाई जा रही है। तो मतलब युग के पापा की स्टोरी दिखाने के बाद भी ये लोग आगे फिर युग की माँ की स्टोरी दिखाएंगे या फिर कामेश्वरी यक्षिण की स्टोरी दिखाएंगे। तो मतलब कहानी को लेखक ने बोला है कि दिसंबर तक खत्म करेंगे, तो शायद खत्म भी हो सकती हैं 2022 के अंत में। तो अब क्या है कि मतलब जो पहले सवाल छोड़े गए थे उनको ही मतलब उनके ही जवाब नहीं दिए हैं। पहले आपको पता होगा कि कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो युग के पापा अनुराग का जिक्र आया था कि उनको मतलब मारा गया था, और उसमें मतलब वो कमरे में कहानी टाइपिंग कर रहे थे और फिर उनको मारा गया था, तो एक आवाज़ आई थी कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। तो उस समय क्या है कि हमको लगा है कि यक्षिणी ने मारा होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वंदना ने कहा कि यक्षिणी को मतलब वंदना और यक्षिणी हॉल में थे, तो वंदना कह रही थी कि अनुराग के पापा को यक्षिणी ने नहीं मारा होगा, वो तो मेरे साथ होगी। तो इससे तो एक ही बात लगती है कि मतलब अनुराग के पापा को शायद काले साए ने मारा होगा बक्सानंद ने। और हम युग की माँ की बात कर लेते हैं, तो युग की माँ को मतलब पहले दिखाया गया था, अब तो दिखाया भी नहीं गया है। तो क्या है कि अब डैन पर बात कर लेते हैं, माँ डैन पर, उसको क्या है कि एक बार ही दिखाया गया है जब वो युग के पापा का शरीर लेने जा रहे थे। तो क्या है कि इसमें क्या है कि पुराने करेक्टर भी वापस जिंदा कर दिए गए हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब वो तो बक्सानंद और माँ डैन तो मर गए थे, लेकिन उनको भी वापस लाया गया है। तो आगे बताएंगे कहानी में कैसे लाया गया है, लेकिन कुछ बातें जो आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, जैसे 9 महीने में कोई बांस के पेड़ नहीं बनते हैं, उसको 3 साल लगता है। और जैसे उन्होंने कहा था कि मतलब 9 महीने बांस के पेड़ बन गए थे, तो ये तो संभव भी नहीं है। हमको पता है कि 3 साल लगते हैं, जिनको गांव में रहते हैं उनको पता होगा 3 साल लगते हैं बांस के पेड़ को एक मतलब पौधे से पेड़ बनने में। तो ये उनकी मतलब गलत लिख दिए गए हैं थोड़ा बहुत, और क्या है कि और भी बहुत कुछ गलत लिख दिए गए हैं। पहले मतलब क्या है कि जो भी आप देख लो कि मतलब यक्षिणी का अभिशाप किसको भी पता चलता था तो उसको मार दिया जाता था, मतलब यक्षिणी उसको मार देती थी, लेकिन अब सबको पता चल रहा है तो कोई नहीं मर रहा है। और पहले जब मतलब अमावस्या बार बार आती थी, अब अमावस्या आती ही नहीं है। अमावस्या आती है तो मतलब यामिनी जो यक्षिणी कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी है वो भी शिकार नहीं करती, क्यों? अभी तो मतलब वो अभिशाप लागू होता है ना, तो अब तो अमावस आती नहीं है तो क्या है कि शिकार होते ही नहीं है, वो बूढ़ी होती ही नहीं है, अभिशाप लागू होता ही नहीं है। तो क्या है कि ये थोड़ी गलती हो सकती है, मतलब अमावस को लाना चाहिए, अभिशाप को दिखाना चाहिए कि हाँ अभिशाप अभी भी जिंदा है, मतलब अभिशाप अभी भी उनको लग रहा है। तो कहानी का कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि इसमें चेंज बहुत होते हैं रहते हैं, मतलब क्या है कि पहले क्या दिखाया जाता है फिर बाद में क्या दिखाया जाता है, चेंज होने के कारण लेखक कुछ भी लिख सकता है कहानी में। मतलब अगर श्रोताओं को पता चल रहा है कि पहले से ही ये हो सकता है तो उसको मतलब थोड़ा फेर बदल किया जा सकता है, मतलब कहानी तभी इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या है कि जो श्रोताओं को अगर पता चल जाएगा पहले राज के बारे में, तो वो लेखक ऐसा थोड़ी चाहेगा, उसे बदल भी सकता है। जब पिछले राज आगे खोलेगा तो उसे थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और भी हम वीडियो बनाएंगे आगे, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर और कहानी को सुनते रहेगा। यक्षिणी कहानी कुछ अब बकवास बहुत हो रही है, लेकिन यक्षिणी कहानी अच्छी है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, और सबसे अच्छा करेक्टर मुझे अभिमन्यु का लगता है। आप सबका भी फेवरेट अभिमन्यु ही है, कई लोगों ने मुझसे मेरी वीडियो में कहा है कि मेरा फेवरेट करेक्टर अभिमन्यु है, मेरा भी अभिमन्यु है। तो क्या होता है आगे कहानी में, तो ये तो आगे सुनकर ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।